Right, so at the level of renal corpuscle, we were talking that there is a structure called juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus, jo hai, usme three special component aate hai. One component is called JG cells, ya juxtaglomerular cells. The other component is macula densa. The third component is the connective tissue cells, jinko hum kehte hain Lasik cells. Now, ये जो efferent arteriole जो इधर आ रहा है, उसके जो smooth muscles हैं, they are few of close to this renal corpuscle. ये जो smooth muscles हैं, इनमें से कुछ smooth muscles they modify. ठीक, ये जो modified smooth muscles हैं, इनको हम कहते हैं juxtaglomerular cells. ये JG cells पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनके बिल्कुल साथ जो distal convoluted tubule का जो part है, जो associated है यहाँ पर. वो भी मॉडिफाइड होता है और उसके अंदर ये आपको स्पेशल सेल्स नजर आ रहे हैं, बाकी क्यूपॉइडल सेल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक जो सेल्स हैं ये एनलार्ज हो गए हैं और इनको हम ये कलमनर फॉर्म में जो आ गए हैं ये इनको हम कहते हैं मैकुला डेंसा. और उसके साथ ही ये आपको जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं जो यहाँ पे पड़े हुए, इनको मेसेंजियल सेल्स या लेसिस सेल्स कहते हैं. ठीक है, ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं. जो juxtaglomerular cells हैं, they are going to secrete renin. और renin हमें पता है कि जो renin angiotensin system है, आपने physiology में अभी detail में पढ़ना है, तो उसमें blood pressure की जो control है, वो उसमें इनका help आता है, ठीक है, role आता है. Macula densa जो है, वो basically chemoreceptors हैं. ये जब filtrate यहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो उसके अंदर जो है ना, वो थोड़ा सा जो है ना वो आयंस की और जो केमिकल्स हैं उनकी अमाउंट को मॉनिटर करते हैं और उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर वो ये वाले जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम भी करते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड juxtaglomerular apparatus. बाकी फिल्ट्रेशन वाला काम नॉर्मल जो है वो सारे सेल्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन कुछ सेल्स जो है ये इस रीजन में ये मॉडिफाई होके renin angiotensin सिस्टम जो है उसको भी मेंटेन करते हैं. और renin angiotensin सिस्टम जो है ना वो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट जी, देन वी हैव कि फिल्ट्रेट जो है ना वो आगे अब ये इस रीजन से निकल गया, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाले रीजन से निकल गया और अब इस पार्ट में एंटर हो गया जिसको हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहते हैं. न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा आर मूव्ड आउट ऑफ द ट्यूब थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स वो फिल्ट्रेशन में यहाँ पर एंटर हो गए और उन्हें हमें एक्सक्रीट नहीं करना, वो रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी ATP यूज हो रहा होता है. और जब सॉल्ट और बाकी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो फिर जो है प्रेशर है उसकी वजह से जो है ना, यानी वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो इस ट्यूब में से निकल जाता है. और जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं उनमें ये सारे स्ट्रक्चर्स एंटर हो जाएंगे. देन आफ्टर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नेक्स्ट पार्ट इज लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले जो है उसके एरिया जो टिश्यू होता है उसको हमें जो है वो वहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है. जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा होगी सराउंडिंग में एंड दैट इज कैप्ट लाइक दिस, स्पेशली यहाँ पर इसलिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसकी सराउंडिंग में ज्यादा रखी जाती है ताकि वाटर भी इसको फॉलो कर ले और फिर यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन का काम हो जाए. इसके साथ साथ जो है वो यूरिया और उसके जो बाकी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें रहे, लेकिन जो वो सोडियम क्लोराइड और वाटर वाला कंपोनेंट है वो निकल जाए और ये कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट हो जाए. तो यूरिन इज कंसंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हेनले. इसकी डिटेल्स आप फिजियोलॉजी में करेंगे, मैं जल्दी जल्दी समराइज कर रही हूँ. देन वी कम टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो वहां पर फिर मजीद न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, जो सेक्रीट करने हैं वो उसमें एड हो रहे होते हैं और जो उसमें से रीअब्सॉर्ब करने हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एरो का डायरेक्शन देखें तो सोडियम क्लोराइड जो है ना वो एक्टिवली उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है आउट ऑफ यूरिन. और ये जो यहाँ पर आयंस हैं इनकी जो है वो एक्टिव सिक्रीशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है. तो ये बेसिकली एसिड बेस बैलेंस और पीएच वगैरह बॉडी की मेंटेन करने के लिए ये सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
इसके अलावा ड्रग्स, आयंस और टॉक्सिन्स जो है वो भी यहाँ पर इस पार्ट में मजीद ऐड किए जा रहे होते हैं। सिक्रीशंस का काम हो रहा है, एक तो फिल्ट्रेशन वाला काम हुआ ना, इसमें यहाँ पर एक्टिवली ब्लड से जो कुछ कंपोनेंट है एटीपी को यूज करके यहाँ पर ऐड किए जा रहे होते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। और लास्ट पार्ट जो आ जाता है वो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनका तो नहीं होता, लेकिन वाटर जो है यहाँ से जो है वो रीअब्सॉर्प्शन का काम जो है ना वो कलेक्टिंग डक्ट से हो रहा होता है। सो दीज आर अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स। हमने पढ़ा कि ये जो इस लेवल पर है फिल्ट्रेशन होता है, फिर यहाँ पर जो है ना वो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन वाला काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स और सोडियम क्लोराइड जो इसमें फिल्ट्रेट में एंटर हो गए हैं उनको ले लिया जाए, ऑस्मोसिस से वाटर आता है। यहाँ पर लूपो फैलने के लेवल पर स्पेशल एक सिस्टम है जिसमें सॉल्ट जो है ना वो यूरिन से निकालकर यहाँ बाहर कंसनट्रेट किया जाता है ताकि वाटर जो है वो एक्टिवली ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाए। तो यहाँ पर यूरिन कंसनट्रेशन का काम हो रहा है। उसके बाद फिर इस लेवल पर डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पर ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है, जो कंपोनेंट बॉडी में अभी भी हैं और हमने उनको एक्सक्रीट करना है। कुछ ड्रग्स हैं और ये यूरिया के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशली यहाँ पर सिक्रीट किया जा रहा होता है बाय स्पेंडिंग एटीपी और फिर कलेक्टिंग डक्ट जहाँ से वाटर रीअब्सॉर्प्शन होती है। इन सारी चीजों को कंट्रोल जो है वो हार्मोन्स ने करना होता है, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को कंट्रोल करे एंड अदर थिंग्स जो कि हम फिजियोलॉजी के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो टुडे वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। उसमें हमने जो है ना वो किडनीज का स्ट्रक्चर पढ़ा है, किडनीज की लोकेशन पढ़ी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ी है, सारी डिटेल पढ़ी है और फिर हमने देखा है कि नेफ्रॉन जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है ना उनकी एनाटॉमी, उनकी लोकेशन और उसके बाद फिर उनके जो है ना वो हम समराइज करेंगे फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच। अभी तक जो लेक्चर हुआ है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर इन 5 मिनट्स, तब तक हम जो है ना वो क्वेश्चनिंग कर लेते हैं।